गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, सब्जेक्ट कोड CS 208 का। इस लेक्चर में हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, कहाँ काम में ले जाते हैं, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को हम पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे हम, और उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लेक्चर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 208 माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग से रिलेटेड है। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? एक स्मॉल स्केल डिजाइंड कंप्यूटर होता है, स्मॉल स्केल डिजाइन कंप्यूटर होता है, जो कि एक पर्सन के लिए एट अ टाइम यूज के लिए बनाया जाता है। एन एंटीक्वेटेड टर्म, ए माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरीली कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और अ डिवाइस बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। ये एंटीक्वेटेड टर्म है, एक पुरानी टर्म है। माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरीली कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, और ए डिवाइस बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। और ऐसी डिवाइस सिंगल चिप वाली डिवाइस जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर फैब्रिकेटेड होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। जो ऐसा कंप्यूटर स्मॉल स्केल का डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि एक पर्सन के काम में आने के लिए बनाया गया हो। और माइक्रो कंप्यूटर तो एंटीक्वेटेड टर्म है। नाउ इन दिनों हम क्या कहते हैं इसे? पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये डिवाइस बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। डिवाइस बेस्ड ऑन अ सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कॉमन माइक्रो प्रोसेसर्स इंक्लूड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है। कॉमनली आप देखते होंगे माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप भी किसका पार्ट है? माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। बियॉन्ड स्टैंडर्ड पीसीज, माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो इंक्लूड सम कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, नोटबुक्स, वर्क स्टेशंस एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड पीसीज के अलावा माइक्रो कंप्यूटर में हम सम कैलकुलेटर्स, ठीक है, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो भी सिंगल डिवाइस बेस्ड सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। डिवाइस बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, कुछ स्पेशल कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स तो होते ही हैं, नोटबुक्स, आजकल छोटे लैपटॉप चल रहे हैं, नोटबुक्स, वर्क स्टेशंस एंड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। ये सब भी माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट हैं। अब हम स्मॉलर देन मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, ए माइक्रो कंप्यूटर यूजेज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सेमी कंडक्टर चिप फॉर इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के अलावा आप माइक्रो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, तो सिंगल इंटीग्रेटेड सेमी कंडक्टर चिप होती है किसके ऊपर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। ये ही इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन मेमोरी इन फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी
और रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके ऊपर जो मेमोरी होता है जो कि कंटेन करता है मेमोरी, किस तरह की? दो तरह की मेमोरी कंटेन करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं, किस लिए होते हैं? ताकि हम कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकें और इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकें। एंड बस और सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग वायर्स ऑल हाउस्ड इन सिंगल यूनिट यूजुअली रेफर्ड टू एज अ मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या कहलाता है? इस ये सारे मदरबोर्ड के ऊपर सारा क्या चीज़ क्या 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 होता है मदरबोर्ड पे होता है? मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पोर्ट्स होती है, बस होती है, सिस्टम इंटरकनेक्टेड वायर्स होते हैं। ठीक है, ये सब एक चिप के ऊपर सब कुछ फैब्रिकेटेड होता है, चिप के ऊपर होता है, और इसी चिप को क्या बोलते हैं आप? मदरबोर्ड। और यही मदरबोर्ड क्या कहलाता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, ये वैसे कॉमनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस अगर आप कुछ काम में लेते हैं तो वो सारे इनके कॉमनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट है। अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देख रहे हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के तीन पार्ट हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सिस्टम बस है। ये कुल मिला के चार पार्ट हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और सिस्टम बसेस हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के फिर फर्दर तीन पार्ट हो गए, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर एरेज और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये किसके पार्ट हो गए? माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, मेमोरी के दो पार्ट हो गए, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये यहाँ हो गया, और सिस्टम बसेस। ठीक है, ये इसका आर्किटेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के जो पार्ट थे जिसमें आया ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट। ये कैसे? ALU की हम बात करेंगे तो ALU किसका टर्म है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। इसका क्या मीनिंग है? दिस यूनिट एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोड्यूस्ड आउटपुट। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये यूनिट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आती है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर ये प्रोसेस्ड करती है और हमारा जो आउटपुट आता है उसे जनरेट करती है। द रिजल्ट ऑफ एडिशनल सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिक ऑपरेशंस एंड और XOR आर स्टोर इन द रजिस्टर्स और इन मेमोरी यूनिट और सेंड टू आउटपुट यूनिट। बेसिकली इनका जो रिजल्ट आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और XOR के थ्रू जो लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए या एरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, ये सब स्टोर्ड होते हैं कहाँ पर? रजिस्टर्स में, इन मेमोरी यूनिट्स में, और या भेजे जाते हैं आउटपुट यूनिट्स के अंदर। अब रजिस्टर यूनिट की बात करते हैं, ALU की बात हो गई, अब रजिस्टर्ड एरे या रजिस्टर यूनिट की बात करते हैं हम। कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर्स
जो रजिस्टर्ड यूनिट हो गई, रजिस्टर्ड एरे होंगे, ये क्या करते हैं, बहुत से रजिस्टर्स रखते हैं यूज्ड फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा। ये क्या करता है, टेम्प्रेरी स्टोरेज करता है किसका, डेटा का, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा। मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस ड्यूरेशन के बीच में आपके डेटा को टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए ये रजिस्टर्स एरे काम में आते हैं। थर्ड पार्ट जो माइक्रोप्रोसेसर का है वो है कंट्रोल यूनिट, सीयू। ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। ये कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के, प्रोवाइड नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल ऑपरेशंस इन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल्स इंक्लूड मेमोरी। ठीक है, ये सारे मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट आपका सारा कंट्रोलिंग का जो काम करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, सिस्टम बस की। द सिस्टम बस इज ए कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल्स। ठीक है, सिस्टम बस क्या होता है, सिस्टम बस आपकी कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, सिस्टम बस माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच में कम्युनिकेशन का पाथ जो होता है वो आपका सिस्टम बस होता है। इट इज यूज्ड टू कैरी डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ये बेसिकली कहाँ काम में आती है, ये आपके डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाने के काम में आती है। क्या होती है सिस्टम बस, इट कंसिस्ट, ये क्या क्या रखती है, डेटा बस जो कि डेटा को कैरी करती है, एड्रेस बस जो कि एड्रेस को कैरी करती है, कंट्रोल बस जो कि कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है। ठीक है, ये तीनों किसके पार्ट हैं, सिस्टम बस के। ठीक है, इनपुट आउटपुट बस, इनपुट आउटपुट इज यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शन और डेटा टू द माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली। ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या होता है, आपके इनपुट यूनिट इज यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस, ये इनपुट करवाने के काम में आता है इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को टू माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक्सटर्नली इंस्ट्रक्शंस और डेटा को इनपुट करवाने के लिए काम में कौन करता है, इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज यूज टू कैरी आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। आपके माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर आउटपुट को कैरी करने के लिए आउटपुट यूनिट पार्ट प्ले करता है। तो इस तरीके से आपकी ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ में ये तीनों यूनिट हो गया, ALU, रजिस्टर यूनिट एरे और कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा आपने पढ़ा सिस्टम बस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और मेमोरी के बारे में। ये सारा मिलके ये आपको क्या बनाता है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, अकेला माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं कर सकता, इसको सिस्टम बस की भी ज़रूरत होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है और मेमोरी की भी ज़रूरत होती है। ये सब मिलकर एक माइक्रो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।